डी कमिश्नर्स कोर्ट बार एसोसिएशन गोरखपुर उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में सोमवार को कमिश्नरी परिसर स्थित स्वर्गीय अजय टंडन स्मृति सभागार में नवनिर्वाचित पदाधिकारी गण का परिचय समारोह कार्यक्रम केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल की मुख्य अतिथि की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस दौरान अधिवक्ताओं ने मुख्य अतिथि शिव प्रताप शुक्ल का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम में अधिवक्ताओं ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को उनके दायित्व के प्रति निष्ठावान रहकर अपने दायित्व के निर्वहन करने का संकल्प दिलाया और उनको शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अध्यक्ष ब्रिजभूषण श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुंजन श्रीवास्तव, कनिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील कुमार श्रीवास्तव, मंत्री विनय कुमार उपाध्याय, संयुक्त मंत्री प्रशासन रंजीत दुबे, संयुक्त मंत्री पुस्तकालय राकेश दुबे, कोषाध्यक्ष रमन कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य मिठाई लाल यादव, प्रमोद कुमार पाठक, सुनील मणि त्रिपाठी, कनिष्ठ कार्यकारी सदस्य शिवेंद्र पांडे, विनोद कुमार सिंह, नीरज कुमार श्रीवास्तव, सत्येंद्र कुमार मिश्र आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए डी कमिश्नर्स कोर्ट बार एसोसिएशन गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ब्रिजभूषण श्रीवास्तव ने कहा, अधिवक्ता हमारे जो आज के चुनाव की घोषणा होती है आपका आशीर्वाद मिला। मैं पुनः अपनी एसोसिएशन की तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं आग्रह करूंगा कि विशेष करके स्वागत करें। कुछ खुशबू बिखेरने के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नरेंद्र प्रताप सिंह जी से स्वागत है। मीडिया के बोल बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। बार के नवनिर्वाचित राठौर करके उनका स्वागत करें और उसके बाद आप अच्छा एक और पहले के मंत्री ने कर लिया है शैलेश मिश्रा जी ने परंपरा को आगे बढ़ाए। विनय जी उस पद पर है इसका आपको ख्याल रखना होगा। ब्रिजभूषण जी इस बात का हमेशा आप लोग को स्मरण रखना होगा कि आप किनके उत्तराधिकारी हैं और ये दायित्व जो मिला है ये उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मिला है जिसकी स्थापना हमारे इन वरिष्ठ न सिर्फ उपस्थित हैं बल्कि हमसे आपसे अधिक सक्रिय हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं और हमें सक्रिय बनाए रखते हैं। अगर उस आज का जो समारोह है वो तो केवल परिचय समारोह से है और अब नई कार्यकारिणी में हम लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों के शुभकामना से एक नई कार्यकारिणी में ऐसी ऊर्जा हो पैदा हो कि वो आकर के हम लोगों के समक्ष जो समस्याएं हैं उसका निराकरण वो करने में सफल हो। ये इस कार्यक्रम के लिए हम आज के अपने जो है नई कार्यकारिणी को शुभकामना देते हैं। पुरानी कार्यकारिणी जो हमारी जो गई है उसको हम बधाई देते हैं, उन्होंने अपना अच्छा कार्यक्रम किया है। आज जो भी कुछ हमारे पूर्व वक्ताओं से आया है हम उसमें अपने भाई डॉक्टर नारायण जी के उस वक्तव्य से अपने को जोड़ते हुए इस पर विचार करने के लिए हम सबसे आग्रह करेंगे कि वाकई में जो हम लोग के अग्रजों की जो भी जो है आ करके जो उनकी ख्याति जो उनके मान था जो सम्मान था अधिवक्ताओं का समाज में वो आज हम लोग का बिल्कुल हमारे सबसे एक है। ये विषय बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर हम अपने नए कार्यकारिणी से तथा सभी अधिकारियों से यह अनुरोध करेंगे कि इस संबंध में जो हमारे वरिष्ठ हैं हम उनकी सलाह लेकर इस पर कितना हम सफल हों और किस तरह से आ करके हम अपने उस मान सम्मान और मर्यादा को कायम रखें इस पर हम लोग बहुत गंभीरता से विचार करके उसको कायम रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने नई कार्यकारिणी को बधाई देते हुए शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मैं थोड़ा सा ना इत्तफाक होगा संचालक महोदय इस बात से कि पदाधिकारी जब तक पदाधिकारी रहे तब तक थोड़ा अधिकारियों से नजदीकियां कम बने
के लिए अगर वो उसके लिए ढूंढता है कि साहब किससे पटती है वो नहीं होना चाहिए। जिस बात को कहा है वह योग्यता ही होनी चाहिए। मैंने और यहां उपस्थित सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अनेक लोग उपस्थित हैं, आज नहीं है, लेकिन मैंने तो अपने बड़े भाई को देखा है, पदाधिकारी रहते हुए डिस्ट्रिक्ट जस्टिस की कोई हैसियत नहीं होती है बताने का काम वो कर देते, लेकिन प्रैक्टिस से कोई समझौता नहीं होती। आज भी अनेक ऐसे अधिवक्ता है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं और जज उनके सामने बौना सामने जो जुडिशरी गवर्नमेंट को भी इंस्ट्रक्शन देने में कभी कभी गलत इंस्ट्रक्शन देने में भी बाज नहीं है। उस बेंच को भी अगर कोई अपनी अहमियत दिखाता है तो बदलता है, तो चाहे बार हाई कोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, वह अधिवक्ता वही दिखा सकता है जो अपनी योग्यता रखता है, कोई और नहीं दिखा सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमेशा अधिवक्ताओं को ये चाहिए वो चाहिए कहने की आवश्यकता छोड़नी चाहिए। मैं विनोद जी के इस बात से सहमत हूं, जैसे हम लोगों के होता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को बैठ करके तय करता है, उसके बाद कैबिनेट डिसीजन लेती है, कुछ जीएम होता है उसको करते हैं, हर जगह ये होनी चाहिए। और वो सामूहिक तौर पर ये तय करे कि ये बातें निश्चित रूप से अधिवक्ता हित के हो में होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि उस वक्त भी कोई भी गवर्नमेंट पर भी विचार करे। अगर ये देखें कि हमारा भत्ता बढ़ाया हमारा ये बढ़ाया तो मुझे लगता है कि उसमें वो संभव नहीं हो पाता, लेकिन अधिवक्ताओं के दृष्टि से कोई पूरे समय की दृष्टि से हो तो सरकारों को उसको सोचना भी पड़ता है। मुझे कहने में ये चक नहीं है कि केसरीनाथ त्रिपाठी जी इस प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष होने के पहले वो भी थे, मैं भी था, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, विधान परिषद के सभापति थे, हम लोग बैठ करके फिर तय किए और तय करने के बाद अधिवक्ता निधि उसी समय लगी, उसके पहले नहीं हुआ। इस नाते सोचे कि हम लोग अधिवक्ता थे, बहुत से लोग हुए, लेकिन अधिवक्ताओं का छाया कुंज सबसे पहले अगर इसी सीरियल को किसी ने सुना कि हमने शुरू किया इस नाते शुरू किया तो अधिवक्ता थे जब अपनी बात दर्शकों की कर रहे थे। तो भी अधिकार भाव दूसरा होगा इस बात पर कहा उसको ध्यान रखना चाहिए। इस परिचय सत्र में हमें लगा कि मुझे
चलना चाहिए, लेकिन जी ने कहा तो मैं इस नाते चला आता हूं कि हमारी नजदीकियां अधिवक्ताओं से सबसे अधिक है। जब उसकी बात आती है तो भारत सरकार का मंत्री गौण हो जाता है और अधिवक्ता का भाव आगे हो जाता है। उसी का प्रमाण होता है कि हम चले आते हैं ताकि हमारे और आपके बीच की जो निकटता है वो दूरी न रहे। वैसे तो मैं समझता हूं जब ये बात आएगी जो कह रहे थे कि बड़े बड़े लोग शासन में भी पहले भी अधिवक्ता के रूप में थे, सही है। भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में भी लगभग 13 या 14 लोग अधिवक्ता थे। प्रथम मंत्रिमंडल में भी स्वयं प्रधानमंत्री अधिवक्ता थे, स्वयं उनके गृह मंत्री अधिवक्ता थे, इस देश का प्रथम राष्ट्रपति अधिवक्ता था। तो अगर हम उस महान परंपरा को देखें तो आज भी मुझे ये लगता है कि हमको सब कुछ मिल सकता है, केवल हम छोटी बातों को अपने अंदर से निकालें, छोड़ें, अपनी एकता को, अपनी दृढ़ता को लेकर के चले। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी होती कि सबको मिलाइए, बैठिए, बैठ करके जो इधर समिति यहां की भी है, वहां की भी है, वहां की भी है, तुम्हारे इधर समिति है, उन लोगों के अनुभव का लाभ लीजिए, एक की दीजिए अधिवक्ता व्यवसाय, एक की जब आप प्रियोरिटी दीजिएगा तो मुझे लगता है कि अधिवक्ता का व्यक्तिगत हित उसी को निहित हो जाएगा। आज भी यहां अभी कभी यह सुनने का आता प्रशासनिक अधिकारी सुनते नहीं, मुझे था प्रशासनिक अधिकारी नहीं होगा जो आपकी एकता के आदेश सुनेगा। एकता के बीच में दरार नहीं दिखनी चाहिए, दरार नहीं दिखेगी कुछ अधिकारी की हैसियत है कि यहां पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं की न सुने, अधिवक्ता एसोसिएशन की न सुने। आज कांग्रेस स्थिति सिविल कोर्ट में है, अरे जो जुडिशियरी से भी अधिकारी घबराते हैं उस जुडिशियरी को भी अगर ठीक करने का भाव सिविल कोर्ट का अधिवक्ता रखता है तो कमिश्नर कोर्ट का क्यों नहीं, यही बात तुम्हें पुराना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। अभी कभी हम लोगों के पास ही आती है फाइल, हम लोगों को भी लगता है कि इसके साथ अन्याय हुआ है, फिर भी इलेक्ट्रोटिंग कर करके अधिकारी भेज देता है, भेज जाती है और ओपिनियन उसके पक्ष में हो जाती है कि मुझे कोर्ट में जाके खड़ा ना हो। अधिवक्ता से अगर डरता है तो ये अभी तो करो, अभी तो बनो। लेकिन अभी मैं सवेरे टहल रहा था, मुझे क्षमा करिएगा, सवेरे टहल रहा था, टहलने के बीच ही मैंने जानकारी दिया कि मुझे आज यहां चलना है अपने अधिवक्ता भाइयों से, मित्रों से मिलना है। उसको हम लोगों को समझना चाहिए, उन्होंने कहा कि ठीक है जाके जाइए अधिवक्ता में जाइए, लेकिन वहां यह जरूर कर दीजिएगा कि 100 की संख्या में 2-4 एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 100
संख्या में दो चार एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, या क्या मैं नहीं जानता हूँ, उनको जानकारी रही कि तभी उन्होंने कहा। और अगर ये स्थिति है तो एल्डर्स कमेटी का दायित्व बनता है कि उन लोगों को कहो कि चलो एक साथ बैठो, यहां से जब एक साथ बैठना शुरू करिएगा तो अन्य जगहों के भी लोगों को आप एक साथ बैठा करके बड़े भाई के रूप में सिविल कोर्ट में उसी के नेतृत्व में बैठ जाइए। अगर उनकी उम्र अध्यक्ष अध्यक्ष की उम्र कुछ कम हो तो यहां पर बड़ी उम्र का हो तो उसके नेतृत्व में बैठ जाइए, अधिक उम्र का उसके नेतृत्व में बैठ जाइए, बैठिए। या पूरे एसोसिएशन के लोग ये कहें कि भाई एल्डर्स कमेटी एक साथ बैठ जाए, पदाधिकारी उसके साथ बैठ जाए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो केवल यहां आकर करके दिन भर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, अधिवक्ता का काम नहीं करते हैं, उन न्यूसेंस से जरूर बचना चाहिए। वो हर जगह होते हैं, क्योंकि उसी से प्रतिष्ठा रही है। आज अगर ऐसी कोई स्थिति कभी आई तो जैसे विनोद जी ने अधिवक्ता हित के लिए बैठने की बात हुई तो भले ही मैं भारत सरकार का आज मंत्री हूं, लेकिन जब उसके हित की बात आई तो मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूं। अधिवक्ता की जो गौरवान्वित परंपरा रही है, समाज में अगर सबसे अधिक सम्मानित कोई था तो अधिवक्ता था। समाज में किसी भी पैसे का कोई व्यक्ति रहता था, लेकिन सबसे सम्मान अगर किसी को प्राप्त को कोई आता था तो लगता था किसके आ जा रहे हैं, अधिवक्ताओं की साथ आ जा रहे हैं। हम उधर पर हैं, हम अपने उस गौरव को प्राप्त करने की तरफ पर हैं, अपने उन पुरुषों को, उनके संकल्पों को, उनके कार्यों को और उनके अध्ययन को, क्योंकि सब कुछ हो पाएगा जब वो अध्ययन होगा, अन्यथा उन्हें नहीं होगा तो उंगली किसकी देंगे, क्या करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कोई क्या दिखाना है। मेरे ख्याल से कि इस पर ध्यान दें। आज मैं बार के सभी चुने पदाधिकारियों को शुभकामना देता हूं और यह कहता हूं कि व्यक्तिगत संपर्क भी बनाए और सारा व्यक्तिगत संपर्क अधिवक्ता हित के लिए हो, वो व्यक्तिगत संपर्क इस दृष्टि से न हो, मुझे ग्रामीण में ही चेक नहीं है, करोड़ों रुपए आज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में पदाधिकारियों के लिए खर्च होते हैं, वो इस नाते खर्च होते हैं कि केसेस कितने होंगे। अधिवक्ताओं के बीच में बता रहा हूं, आप लोग जानते हो इलाहाबाद की स्थिति, जानते हो दिल्ली जान में भी जाकर के देख लीजिए। हम अपने पतन के जिम्मेदार स्वयं हैं, अपने पतन से अपने को ऊपर उठाए,
अधिवक्ता स्वाभिमान की लड़ाई अधिवक्ता के केवल एक अधिवक्ता के खड़े होने से शुरू हो जाएगी, जीत जाएंगे। इस नाते उधर हम सभी लोगों को बढ़ना चाहिए, अगर बढ़ सके तो व्यक्तिगत हमारी क्या हो नहीं मैं जानता हूं, लेकिन अधिवक्ता स्वाभिमान की लड़ाई निश्चित रूप से पूरी हो। मैं इन लोगों से यही कहूंगा, सभी लोग छोटे हैं, पूरी लड़ाई हित की हो लेकिन संबंध प्रगाढ़ हो। ब्रिजभूषण श्रीवास्तव, अध्यक्ष कमिश्नर स्कूल बार एसोसिएशन गोरखपुर मंडल गोरखपुर। मंत्री जी हमारे हैं विनय उपाध्याय जी, हमारे बार एसोसिएशन का जो भी चुनाव संपन्न हुआ है विगत में, उसमें जो भी कार्यकारिणी के सदस्य बतौर पदाधिकारी चुने गए हैं, उनके परिचय समारोह का आज कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें विभिन्न न्यायालयों से अध्यक्ष मंत्री एवं पदाधिकारीगण तथा अतिथिगण के रूप में तमाम अधिवक्ता बंधु एवं बहनें उपस्थित थीं। आज उसी का कार्यक्रम था। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय श्री शिवप्रताप शुक्ल जी एवं MLC श्री विनोद पांडे जी उपस्थित रहे हैं। चूँकि अधिवक्ताओं के का परिचय समारोह था, जिसमें विधिक बिंदु न्यायिक बिंदु ही समाहित थे और उसी पर आज चर्चा हुई एवं अधिवक्ता हित के संबंध में विभिन्न सुझाव वरिष्ठ अधिवक्ताओं एवं विभिन्न बार एसोसिएशन से आए पदाधिकारियों द्वारा दिया गया, जिस पर आज चर्चा की गई है।